तो ये फाइनली यहाँ से जो है QR कोड चेक करके अंदर आए, और अंदर आते ही सबसे पहले आता है कि ये हॉल नंबर 5 ऑन गेट नंबर 4 से ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर जो है हम आगे जाते हैं, ये है हॉल नंबर 5। ये हॉल नंबर 5 के अंदर का जो है एंट्रेंस है, जहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। एज सच क्राउड को जो है अवॉइड किया जा सकता है डेफिनेटली, और इजीली मैनेज हो जा रहा था क्योंकि लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी। हाँ, अनाउंसमेंट्स बीच बीच में हो रही थी, मास्क पहन के रखिए और मेंटेन डिस्टेंस, बट यू नो कुछ सिचुएशन में अब यहाँ तो डिस्टेंस है, लेकिन जैसे हम अंदर गए तो वहाँ पे स्टॉप पे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा लोग कर पा रहे थे। तो जहाँ जहाँ पे ये इस तरह से स्पेस था वहाँ तो हम लोग गए, एंड दीज आर लाइक दे आर शोकेसिंग जो भी उनका इंडस्ट्री है वहाँ का, अपने स्टेट का, या उनका जो भी एंटरप्राइजेस है या स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए थे। ब्रांड्स काफ़ी सारे थे यहाँ पर, ब्रांड्स ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड वाज कवर्ड। और जिन आउटलेट्स पे भीड़ कम थी वहाँ आप जाके इजीली यू नो व्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो सामान देखने को ही नहीं मिलता, तो फिर क्या फ़ायदा जाके। जैसे अब ये ओवर क्राउडेड था तो हम नहीं अंदर गए, क्योंकि ये तो अपनी खुद की समझ है कि आप कैसे मेंटेन करेंगे। ये ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट का सामान था, बैग्स, डॉल्स, ये दे आर सुपर। मतलब वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो एक लाइफ टाइम जैसा एक्सपीरियंस होता है कि आपने एक लाइव चीज़ देखी। दीज आर जूट बैग्स, हैंडीक्राफ्ट का ये पूरा सामान है, चटाइयाँ थी, मैट्स थे, एंड दे आर सो नाइस दैट आपका मन करेगा कि आप सब कुछ खरीद लो, लेकिन जल्दी नहीं करिएगा कभी भी, क्योंकि आपको पहले स्टॉल्स के ऊपर जो है वो घूम लेना चाहिए, सो दैट आप कंपेयर कर सको कि यू नो आपको बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट डील किधर मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ आउटलेट्स हैं जहाँ पे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे, जैसे ये कुछ ज्वेलरी है, हैंडमेड ज्वेलरी है, चप्पल, मोजरी, जूतियाँ, यू नो ऑलमोस्ट लाइक आप देखोगे तो एक सीरीज़ में जो स्टॉल है ना, उनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब ये झूले हमने पीछे भी देखे थे, कोलकाता का स्टॉल है, और ये झूले जो हैं माई डॉटर वॉज सो विलिंग की ले ले लो, बट आपको सामान कैरी भी करना है तो लिटिल उसको ध्यान में रख के ही सामान लीजिए। ये कुछ आउटलेट हैं जहाँ पर कि यू नो फैब्रिक्स का डीलिंग हो रहा था, एंड ये भी बड़े यूनिक हैं। ये कुछ बैम्बू का आर्टिस्टिक वर्क है जो आप डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं, एंड ये बहुत सुंदर लगते हैं। और इतनी इनोवेटिव चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है ना, जो आप जनरली शॉप्स पे नहीं आप ले पाते हो, मतलब फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे उनको। यहाँ पे बेड शीट्स वगैरह डिस्प्लेड थी, एंड दे आर ऑल्सो ऑफ सुपर क्वालिटी। मैंने जब भी आप ये स्टॉल्स में जाएं, थोड़ा ध्यान रखिए कि क्राउडेड में नहीं जाएं। इसका एक दूसरा रीज़न भी होता है कि यहाँ पर जो है आपकी हो सकता है पॉकेट कट जाए, तो वो भी थोड़ा सा एक सिक्योरिटी इशू होता है। वेल स्टॉल्स पे तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सामान है, साथ साथ ना अनाउंसमेंट हो रही थी, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट। यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि वो एक तो सामान के लिए और यू नो आपके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग अनाउंसमेंट कर रहे थे। जैसे अगर आपका साथ बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसकी पॉकेट में या उसके पास जो भी आपने पर्स या कुछ भी दिया है, तो उसके अंदर अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस डाल के रखिए, अपना नेम लिख के पर्ची में डाल के रखिए उसके, ताकि अगर आपके बिछड़ भी जाए तो वो अनाउंसमेंट हो सके, आपका नाम बुलाया जा सके। तो इट्स लाइक यू नो आप क्राउड को हैंडल कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हर कोने में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे,
अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही थी पीछे एक ब्यूटीफुल लाइट लैम्प, यहाँ मार्बल का वर्क है एंड ब्यूटीफुल, बट प्राइस इज़ टू हाई कि आप मतलब ठीक है अपने घर के लिए ले रहे हैं तो प्राइस डजेंट मैटर। यहाँ इस वाले हॉल में नीचे ना ड्राई फ्रूट्स के काफ़ी स्टॉल थे, बाकी जगह पे नहीं थे। अब ये था जो स्टॉल मुझे बड़ा कमाल का लगा, यहाँ पर आप देखो तो ये लैंप्स मतलब टू गुड, दूर से एकदम नज़र जाती है। और कोई यहाँ पे लैंप्स का ज़्यादा डिस्प्ले नहीं था, ये सबसे यूनिक थी। मैं स्पेशली इसके अंदर गई, यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड जहाँ पे मुझे कम लगा वहाँ से थोड़ा सा एंट्र किया और मैंने इनका क्लोज़अप भी लिया। और ये इतने सुंदर है, मतलब फ़ोटो में जितने दिख रहे हैं ना, आप इससे डबल इसकी ब्यूटी इमेजिन कर सकते हो। ये कुछ इस तरह का था, ये देखिए यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सामान है, मतलब दिस इज़ टू गुड। मैंने इनसे प्राइस भी पूछा, तो ये जो ऊपर हैंग हुए थे ये शेंडलियर टाइप, ये झूमर टाइप जो भी आप इनको कह सकते हैं, तो ये लाइटिंग का था। एक के अंदर 5 या 6 लाइटिंग जैसे हैंग थी, तो मैंने उनसे प्राइस भी पूछा तो ही सेड दिस इज़ ऑफ 15,000 दिस इज़, बट ये काम है और यू नो आर्टिस्टिक वर्क की तो हम क्या उसमें वैल्यू का कह सकते हैं, वैल्यू तो भाई आर्टिस्ट ही अपनी उसकी बताएगा काम की, बाकी पारखी नज़रें जिसको जैसी अच्छी लगे। पर बहुत यूनिक है, आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे दिवाली दिवाली है, और ये दिवाली जैसा ब्यूटीफुल जो है सीन मैंने कैप्चराइज किया यहाँ पर। आगे जब जाते हैं तो वहाँ पे भी यू नो सिमिलर काइंड ऑफ चद्दरें हैं और ये सब हैं। ये हम हॉल से बाहर निकले तो वहाँ पे ये मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड की फैसिलिटी दी हुई थी, दिस इज़ ऑल्सो गुड वन, हर हॉल के साथ में ये दिया हुआ था। ओ ये सुंदर महिला कौन है, ओ ये तो मैं हूँ। तो ऐसे जो है हम हॉल से बाहर आए। अब इस हॉल के साथ में जो है ये इस तरह से बड़ी बड़ी स्क्रीन दी हुई है, ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पे जो है जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो उन्होंने अपलिफ्टमेंट टू यानी एक्चुअली इस पूरे फेयर में ना आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत फोकस किया हुआ था, तो उसमें आप देखोगे तो यहाँ फूड आउटलेट दूसरी साइड में काफ़ी थे, बाकी बड़े बड़े होर्डिंग्स थे जहाँ हार्ट वर्क या हैंडीक्राफ्ट वर्क वो सब कुछ। तो उसके बाद जब बाहर निकले तो सबसे पहले ही था कि खाना खाना है, तो मैं बेटा ही करने लग गया, तो हम फाइनली मैंने शूट को ब्रेक दिया और हम लोग जो हैं अपना पहले पेट पूजा करने के लिए आगे जो हम बढ़ गए। ये और फूड स्टॉल ऐसा नहीं है कम है, मतलब आप जो हॉल नंबर 4 और 5 है जो एक साथ जुड़ा हुआ है, आप 5 में एंटर करते हैं 4 से निकल जाते हैं, तो उसके सामने ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 ये फूड कोर्ट है कुछ ऐसे ट्राइंगल शेप में, तो देर इज़ इनफ फूड स्टॉल है। इसके अलावा भी हर एक जो आगे हॉल्स हैं उनके साथ में भी आपको ये फूड स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। अब हॉल नंबर 5 के बाद हम गए हॉल नंबर 7 पे, इस तरह के ये इंडिकेटर्स लगे हुए थे, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, तो इट वाज लाइक कंफर्टेबल कि आपको किधर जाना है। वेल बहुत ज़्यादा हॉल्स अभी ओपन मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारी जगह यहाँ पे, तो इसीलिए ना लिमिटेड हॉल्स हैं, तो यहाँ पे उसका पूरा डिस्प्लेड था। ये हॉल नंबर 7 की तरफ हम गए हैं जहाँ पर ये लघु उद्योग हुनर हाट लघु उद्योग, ये हॉल बहुत बड़ा था एक्चुअली, इसमें ना ABCD ऐसे करके ना 3 सेक्शंस दिए हुए थे, तो हम तो वैसे एक ही सेक्शन में गए, आपस में अंदर जुड़े हुए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा था और हमें मैक्सिमम जगह देखनी थी, तो हम लोगों ने जो है वो कोशिश यही की कि सारे हॉल्स एटलीस्ट विजिट हो जाएं। तो यहाँ पर जो है ये हॉल नंबर 7 है, उसके बाहर ये गैलरी में सम यू नो ये आउटलेट्स थे जहाँ पर जो लोग थे अपने सामान बेच रहे थे, तो यहाँ पे जो है और अलग अलग हॉल्स के अंदर ना अलग अलग नाम थे, जैसे अब यहाँ पर जो था ये ग्रामोद्योग का जो है वो प्रमोशन था, तो यहाँ पंचायत होर्डिंग्स लगी हुई थी कि किसी भी जगह का जो हैंडीक्राफ्ट है वो या फिर उसका वहाँ पे जो भी वो जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है छोटे उद्योग होते हैं उनके जो भी काम है वो डिस्प्ले हो सके, तो यहाँ पे जो है वो विलेजेस का जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे
आउटलुक दिया हुआ था और यहाँ पे कुछ इमेजेस विलेजेस की भी बना रखी थी। तो यहाँ पर अंदर सेम एंट्रेंस भी बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है, यहाँ गणपति जी की जो है स्टैचू लगाई हुई थी बहुत सुंदर सी, तो कैप्चर किया। उसके बाद अंदर गए, ये कयर बोर्ड करके हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर, मतलब एवरी हॉल इज़ एक्चुअली हैविंग डिवीजन, तो वो डिस्प्ले किया होता है। एक तो बहुत यूनिक सी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो तो बहुत कमाल का था। यहाँ पर जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे कृषि से जुड़े हुए जो सामान हैं, जैसे खाद हो गया, ये सब चीज़ें, अब ये सब जो हैं ये गणपति बप्पा मौर्य, ये यहाँ गणपति जी की स्टैचू है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे विलेजेस को जो है यहाँ पे कोशिश की गई डिस्प्ले की। ये जो था ना ये बड़ा यूनिक था, आप इसके चारों तरफ घूम जाइए तो आपको ये दिखेगा कि ये रिफ्लेक्शन ना आपको जिस तरफ भी आ जाओगे आपको फेस टू फेस करता मिलेगा। ये देखिए गाँव का डिस्प्ले है कि गाँव की एवरी विलेज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया विलेजेस कैसे हैं, वहाँ पे क्या स्पेशल है। देखिए अब दूसरी तरफ आ गए तो ये आपको इधर फेस कर रहे हैं, फ्रंट पे जाएंगे तो फेस कर रहे होंगे। तो ये बड़ा यूनिक था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, इसका मिरर से रिफ्लेक्शन करके ये आ रहा है, प्रोजेक्टर है यहाँ पर। ये देखिए ये विलेज के जो हैं गाँव की महिलाएँ जो हैं ये पराली से या भूसे से, ये जो हैं मून से, ये सब जो है वो सामान बना रही हैं और वो खूब सेल कर रही हैं। अब ये है साबरमती आश्रम, तो ये भी हमारा, अब दूसरी तरफ गए तो दूसरी तरह के अब विलेजेस को मतलब कैटेगराइज करके इन्होंने दिया हुआ है, अदरवाइज वो हौच पौच हो जाता। तो ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले में था। अब साबरमती का नाम आते ही तो महात्मा गांधी तो जो है दिमाग में अपने आप आ जाता है। यहाँ एक बड़ा यूनिक सा स्टॉल था जहाँ पर टू स्टैचूज आर देयर आउट होर्डिंग्स थे एक्चुअली, तो लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और अब ये जो है ये साबरमती की तरफ का जो भी एरिया पड़ता है उसके आसपास के एरिया, तो उनके आउटलेट्स थे यहाँ पे। ये रुद्राक्ष मालाएं थी, कलरफुल मालाएं भी थी, बड़ी सुंदर सुंदर थी, चमक रही थी एकदम ऐसे जैसे डायमंड हों, और बड़ी सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये। ये साथ में फिर खादी का आ गया था, ये खादी का आउटलेट, यहाँ से मैंने एक खादी का कुर्ता भी लिया है और बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पे दिल्ली का भी काफ़ी बड़े मतलब स्टॉल्स थे, दिल्ली का प्रेजेंटेशन बहुत था। ये जो है आउटलेट था खादी का जहाँ से हम लोगों ने कुछ सामान लिया, वेस्ट कोट एंड एक खादी का ना बड़ा अच्छा सा डबल कोट का कपड़ा लगा के कुछ ये बनाए हुए थे फैब्रिक, रेडीमेड क्लोथिंग मतलब जैसे मैम ने पहना है, तो ये भी मैंने भी लिया है और ये बहुत अच्छा लगा। एंड दे टोल्ड अस कि कैसे जो है वो यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन, यू नो दे आर डूइंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी बातें हुई। फिर कुछ काइंड ऑफ बेल्स हैं, अगर आप किसी बेल को बजाते हैं तो सबके अंदर बहुत सुंदर सुंदर, इवन एक बार ना ऊपर बेल सारी बजने लग गई तो ऐसा लगा जैसे गायें आसपास में घूम रही हों, तो ये जो थी ये बड़ी यूनिक लग रही थी। तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें तो। अब साबरमती वाले से हम आगे गए तो यहाँ पर देखिए एक और टाइटल दिया हुआ है सरस, तो यहाँ पे इस तरह से अलग अलग हॉल्स के लिए एक टाइटल सजेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर गए तो यहाँ यूनिक क्या देखने को मिला, तो ये स्टॉल्स थे जिन पे यूनिक यूनिक चीज़ें थी, मेटल वर्क एंड वुड वर्क, इस लाइन में जो था मेटल वर्क और वुड वर्क इतना सुपर्ब था। और इवन एक आगे मैंने एक वो देखा था छोटा सा जो पोंड काइंड ऑफ होता है जो डेकोरेशन का होता है, ये हमारा जो है ट्राइबल एरियाज़ का जो है वो कवर करते हुए हैं, छत्तीसगढ़ का हमारा एरिया है, वहाँ पर ये लोहे का काम जो है इस तरह का बहुत ही यूनिक है। ये था जो वुडवर्क जो मतलब आइस कैप्चरिंग था, जिसमें मतलब एक्चुअली ये वुडवर्क के अलावा यहाँ पर ये बाकी स्टॉल एक्चुअली मैंने टर्न किया तो उधर साइड में थे, लेकिन ये वुडवर्क देखिए ये विष्णु जी के स्टैचू बना रहे हैं और ये कार्विंग्स हैं।
जो हम अपनी बुक्स में फ़ोटोज़ में देखते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं क्लास सेवन की बुक्स के अंदर, सिक्स की बुक के अंदर देखते हैं। और ये अंदर जाके जो है स्मेल केरोसिन का ऑयल का स्मेल आ रहा था, बट अदरवाइज आप देखो इनकी कार्विंग्स मतलब टू गुड, ये होते हैं आर्किटेक्चरल वर्क डिज़ाइन, मतलब इनको दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं बनाने में। ये आर्टिस्टिक वर्क ऐसे नहीं होते कि एक दो दिन में बन गए, ये दीज आर लाइक आईज कैप्चरिंग। देन वी मूव ऑन, और आगे जो है ये जूट का सामान था, ये पूरा चटाइयाँ थी, ये सब हमारे अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं और ये अलग अलग जगह बनते हैं। अब आप हर स्टेट में तो नहीं जा सकते, पर ट्रेड फेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब वंस इन अ ईयर आप पूरे कंट्री के जो हैं वो यू नो प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। ये नंबर सेवन से हम निकले और उसके बाद हमारे सामने थे ये दो हॉल्स, नंबर नाइन और इसके राइट साइड में था नंबर एट। तो हमने डिसाइड किया कि हम नंबर नाइन में जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। वेल लेकिन दोनों ही हॉल आपस में अटैच्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उधर से नहीं आ सकते, आप चाहें तो इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। जैसे ये नंबर एट और नाइन के बीच में कुछ स्टॉल्स, नंबर सबको स्टॉल नंबर मिले होते हैं। ये यहाँ पर जो हम आए तो यहाँ पर जो यूनिक चीज़ें थी वो स्पेशली बेडशीट्स, साड़ीज एंड मतलब फैब्रिक था यहाँ पे। ये बैग्स बहुत सुंदर थे, वेल देखेंगे तो सिमिलर आपको आउटलेट काफ़ी जगह मिल जाएंगे। तो इसमें भी यही था कि एक ही प्रोडक्ट के दो तीन आउटलेट्स थे। यहाँ पे ज्वेलरी थी, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही सही रीजनेबल है। बाकी यूनिक चीज़ ये होती है कि आपके बार्गेनिंग स्किल यहाँ बहुत काम आते हैं। अगर आप एक अच्छे बार्गेनर हैं ना, तो मतलब आपकी तो चांदी ही चांदी है। मेरे जैसे कमज़ोर बार्गेनर होंगे तो देन इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट विद नो गिल्ट मैंने लिया है। और ये पास साइड वाला जो स्टॉल था, ये स्टॉल था जूतियों का, चप्पलों का, ये भी बड़े यूनिक यूनिक है, बहुत ही सुंदर सुंदर बनाए हुए थे। इसके अलावा ये सूटों के थे यहाँ पे बड़े यूनिक से, आई थिंक पंजाब के काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी इस वाली साइड में। एक ये बड़ा यूनिक सा था, ये साउथ इंडिया का जो है ये आर्टिस्टिक वर्क का स्टॉल था। और साड़ी वगैरह के ऊपर पहन सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ आपको दूसरे इसी हॉल में एक और था ऐसा आउटलेट। ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं एंड इन जितनी मतलब आप जितनी बार देखो उतनी बार ये और सुंदर लगने लग जाती हैं। ये इधर साथ में और बाकी स्टॉल्स थे उसी लाइन में, शॉल्स, सूट्स एंड अदर थिंग्स, रज़ाइयाँ, क्योंकि अभी विंटर आ चुकी है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी थे। तो ये वन बाय वन स्टॉल्स आते गए और ये अगेन बैग्स, चादरें, यही सब कुछ थे। ये देखिए यहाँ पे स्टॉल्स आए, यहाँ ये कुछ मिठाइयों की मतलब गज्जक वगैरह की दुकान थी, स्टॉल थी एक्चुअली। एंड देन ये सिमिलर सूट्स, ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर, इधर भी एक जूतियों की दुकान थी, यहाँ पे भी सेम है, तो ऑलमोस्ट लाइक एक ही जगह से आ रहे हैं ये। अब हम दूसरे गेट पर जा रहे हैं जहाँ पर ये इस हॉल के ही अंदर है, पर ये दूसरे सेक्शन है। यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट्स ही, ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर यू नो स्टॉल्स काफ़ी हैं यहाँ। ये सॉफ्ट टॉयज़ थे कुछ, एक जो की रिंग्स वगैरह हैं, सूट्स थे, सूट बहुत ब्यूटीफुल थे, बट जो प्राइस में यहाँ पर हैं वही सेम ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है जो आपको मार्केट में मिलता है। यहाँ पर साड़ियाँ थी, साड़ियाँ बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, आपको देख के मतलब लेने का बिल्कुल मन करे विंटर। अब हम हॉल नंबर नाइन से वापस आके ना हॉल नंबर फाइव पर गए, वापस से आ गए थे। फाइव, फोर एंड फाइव दोनों जॉइंट हैं। हमने डिसाइड किया कि ऊपर जो हॉल्स बने हुए हैं, जो फर्स्ट हॉल में हम गए फाइव में, ऊपर के हॉल्स को विज़िट किया जाए क्योंकि वो नई चीज़ें थी। मतलब अभी तक वहाँ पे नीचे अगर टाइम स्पेंड कर रहे थे तो हमारा ये काफ़ी लेट हो गया था, एक्चुअली डार्क होने लग गया था। तो वी डिसाइडेड कि चलो अभी फाइनली हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वहाँ पे कुछ एक्चुअली ऐसे कुछ था नहीं जो वहाँ हम डिस्कवर कर सकते, शायद वो उल्टी थे। हम गए फिर सेकंड फ्लोर पे जहाँ हॉल नंबर टू था और ये ऊपर से हमने व्यू लिया
एंड यहाँ पे दो जगह ये ओपन ऑडिटोरियम्स थे, एज यू कैन सी इन द वीडियो, यहाँ पे सामने आपको दिख रहे हैं दो, यहाँ पे स्टेज शो चल रहे, एंड दिस इज़ द ब्यूटी। मतलब इन्हें अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है ह्यूज बिल्डिंग्स का, तो हो सकता है अगले साल जब ट्रेड फेयर दोबारा लगेगा तो आपको ये सब मतलब विजिट करने को मिलेगा। अच्छा ही हुआ जो हम थोड़ा डार्क होने के बाद ही हम ऊपर गए, क्योंकि अदरवाइज़ ये लाइटिंग ना दिखती नहीं। ये इस तरफ जो है मैंने कैमरा घुमा दिया, ये ऊपर जो है कॉरिडोर है पूरा हॉल का, तो काफ़ी मतलब ऑडियंस कैन स्टैंड हियर ऑल्सो, विजिटर को अगर वहाँ नहीं जाना तो यहाँ ऊपर से देख लीजिए। ये शौर्य है, ये भी मेरे साथ ऊपर ही वहाँ पे देख रहा था। फिर हम अंदर गए और अंदर हमने देखा कि जो ऊपर वाला हॉल है वहाँ पर ना स्टेट्स थे। यूनिकनेस जो थी यहाँ इस हॉल की वो थी कि जो स्टेट्स का डिस्प्ले है वो इस हॉल में ऊपर की साइड दिया हुआ है, नीचे फोर के ऊपर, मतलब नीचे भी है फोर ऊपर भी है, तो टू एंड फोर ये ऊपर के हॉल्स जो हैं यहाँ पर जो है स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पे एंट्री पे ही है हमारा उत्तराखंड देवभूमि, और आप इसमें मतलब यहाँ पे स्टेट्स इस तरीके से मैपिंग भी है, एंड बहुत ही नाइसली सेग्रीगेटेड थे सारे के सारे स्टेट्स, जो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये कुछ 3D इमेज थी, आप ऐसे कॉरिडोर्स दिए हुए थे टू सेग्रीगेट टू स्टेट्स। यहाँ उत्तराखंड में दोनों ही तरफ ही इस तरह की इमेज दी हुई थी, ऑलमोस्ट लाइक सभी स्टेट्स के अंदर ना जो मेन वहाँ के प्लेसेस हैं उनको ऐसे डिस्प्ले किया हुआ था, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये हमारा दिल्ली का स्टॉल है और दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स और बाकी सभी चीज़ें इसमें अंदर डिस्प्लेड थी, जहाँ मुझे लगा कि नहीं क्राउड होगा मैं उसमें अंदर नहीं गई। कोशिश यही रखी कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है स्कीम्स हैं दिल्ली के बारे में, यूनिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिली। ये साइड में स्क्रीन्स चल रही थी बड़ी, जिसमें कि रिवर राफ्टिंग उत्तराखंड से रिलेटेड थी, खैर वो तो टूरिज़्म और ये सब डिस्प्लेड था। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये और आगे हम बढ़े तो ये मणिपुर का स्टॉल है, एंड ये बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था तो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही स्टफ़ था यहाँ पर। इसमें से यहाँ पर इन्होंने अपने लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए थे, जिसमें से एक यूनिक प्रोडक्ट मैं भी लाई। ये सामने जो स्टॉल है इसमें से मैं लेके आई ब्लैक राइस, यस अ वंडरफुल राइस। तो मैंने दूसरी तरफ से एंटर किया और मैं अंदर की साइड से गई, तो यहाँ पर इनके लोकल प्रोडक्ट्स हैं हल्दी एंड राइस जो हैं, और इन्होंने जो है मुझे रेड राइस भी जो है दिखाए। ये इनके पास रेड राइस है जो इन्होंने बताया कि अभी बैन है, इसको कमर्शियली ग्रो नहीं करते हैं, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ से मैंने कुछ राइस लिए। चलो सॉरी आगे चलो, पीखा आओ। ये आगे हम आ गए नेक्स्ट उसमें स्टेट में तमिलनाडु में, और यहाँ पे पूरे जो भी पर्सनालिटीज़ हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं और यू नो न्यूज़ में सुनते हैं और आसपास के मतलब हाल फिलहाल के इवेंट्स हैं, एवरीथिंग वाज अपडेटेड, और पॉलिटिकल पीपल लीडर्स उनके बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। हिस्टोरिकल भी यहाँ पर जो है वेल जिस पार्टी का यहाँ पे रूल है उनके बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई थी, और यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है जैसे साड़ीज़ हैं, स्पाइसेस हैं, दीज आर्टिस्टिक वर्क्स हैं। एक यहाँ पे ना बड़ा अच्छा यहाँ से दिस स्टॉल इज हैविंग स्पाइसेस मैनी मोर कमोडिटीज़, तो उसमें से मैंने इलायची ली थी स्पेशली, तो मुझे पसंद है, मैंने सोचा भी था इलायची लूँगी मैं। और ये था बड़ा यूनिक सा, ये है हमारा जो है एक्सक्वेट करते हैं यहाँ पे जो है खुदाई करके जो भी ये सामान वगैरह निकालते हैं, तो दिस इज़ लाइक स्टडिंग योर ओन कल्चर एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। छोटे छोटे जो भी आउटलेट्स थे बहुत बड़े नहीं थे इसमें, क्योंकि ऑल ओवर बाकी सब हॉल्स में ना काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स दिए हुए थे, तो यहाँ बहुत छोटे छोटे थे। बट दिस इज़ ऑल्सो गुड, लाइक आप अगर आप कोरिलेट ना कर पाए किसी प्रोडक्ट को स्टेट के साथ तो आप स्टेट में विज़िट कर लीजिए, यू विल फाइंड इट कि ये कहाँ से है आपका। चल चल तमिलनाडु
नेक्स्ट स्टॉल के ऊपर ये है हमारी सेवन सिस्टर्स में से एक त्रिपुरा, तो ये आसपास में ही थे यहाँ पर जितने भी स्टेट्स थे। अकॉर्डिंग टू यू नो स्टेट्स आप उसमें उतने ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जितनी वैरायटी ऑफ होगी। यहाँ त्रिपुरा में जो है आप जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे पाइनएप्पल्स रखे हैं क्योंकि वहाँ पाइनएप्पल ग्रो किया जाता है, और बैम्बू बास्केट्स हैं और भी काफ़ी जो भी उनका हैंडीक्राफ्ट का सामान है ये यहाँ पर। नेक्स्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश है, एंड यू नो ये लार्ज स्क्रीन्स यहाँ पर ना हर एक स्टॉल के आसपास में लगी हुई थी जिससे कि आप उसका लोकेशन देख सको, और ये कंटिन्यूसली चल रही थी। तो मैंने इसके अंदर छोटा सा एक एंट्री करके जो है रिकॉर्डिंग किया सो दैट वहाँ के प्रोडक्ट्स देखे जा सके। मैं ज़्यादा इसमें नहीं घूमी क्योंकि बहुत ये है त्रिपुरा का स्टॉल अंदर से। तो यहाँ पर जो है ये बैम्बू का आर्टिस्टिक वर्क डिस्प्ले में था एंड क्वाइट यूनिक, वेरी ब्यूटीफुल आई मस्ट से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। डेकोरेशन हाउस में जब आप करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लगता है। ये हिमाचल वाला जो है यहाँ पे एक यूनिक सा तरीका था डिस्प्ले डमी का, दे क्रिएटेड लाइक रैम्प बना रखा था, छोटे छोटे डमी उस पर थे। ये है उत्तराखंड का जो पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से तो वो लगा हुआ था बड़ा यू नो 3D पिक्चर्स वगैरह, ये पीछे की तरफ से भी जो है एग्ज़िट वाले जो डोर्स थे, मतलब एग्ज़िट एंड एंट्री बोथ यू कैन डू। तो यहाँ पर ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ, चूरन और जो पहाड़ी सामान होता है पहाड़ों पे जो भी लोकली अवेलेबल होता है। ये एक और था, ये था केरला का, ये एंट्री पे जस्ट सामने ही था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे उत्तराखंड था, लेफ्ट हैंड साइड पे केरला था। तो केरला में तो मैं अंदर नहीं गई क्योंकि, और फाइनली हम थक गए और ये सुंदर महिला बाहर आते हुए, और अब डिसाइड किया गया कि चलिए बाहर चलते हैं। एंड माई रिएक्शन वाज से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और ट्रेड फेयर जो है वो वैसे भी अच्छा इसलिए भी लग रहा था ज़्यादा क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद ये लगा था। फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आप भी गए हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये मेरे बच्चे मस्ती करते हुए डिनर टाइम पे, और फैमिली टाइम इट्स वेरी वैल्यूएबल, तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।